In the last class, we have seen the previous year questions that is being asked from the concrete from the stages of production of concrete. Today we will be covering the other questions that is being asked from the concrete. तो कंक्रीट से हमने यदि आज देखेंगे तो जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं लेट्स से फ्रॉम वाटर सीमेंट रेशियो इससे बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में. वाटर सीमेंट रेशियो आई विल बी टेलिंग ओनली द क्वेश्चंस दैट इज बीइंग आस्क्ड इन द प्रीवियस ईयर सो कीप दैट इन माइंड ऑलवेज. यदि वाटर सीमेंट तो आपके पास सबसे पहले ये डायग्राम होता है जो आपको याद रखना है. इट इज बिटवीन द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट एंड द वाटर सीमेंट रेशियो विच इज समथिंग लाइक दिस. दे इट हैज अ इनवर्स रिलेशन और दिस ग्राफ इज इन हाइपरबोलिक इन नेचर. जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आप तो एक तो आपका वाटर सीमेंट रेशियो जनरली वेरी करता है बिटवीन 0.3 टू 0.65 के बीच में. यदि आप इससे ज़्यादा इंक्रीज कर दोगे तो आपकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी. इससे कम कर दोगे वाटर सीमेंट रेशियो तो उस केस में आपकी जो मिनिमम क्राइटेरिया है टू लुब्रिकेट द सीमेंट पार्टिकल वो आपका नहीं हो पाएगा. तो ये इससे ज़्यादा में भी प्रॉब्लम है और इससे कम में भी प्रॉब्लम है. तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है. यदि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात करें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ यदि वाटर सीमेंट रेशियो इंक्रीज करते हो तो डिक्रीज करता है. इसी का नाम है अब्राहम्स ला. तो जो क्वेश्चंस हैं इस पार्ट से यदि प्रीवियस ईयर में देखें तो वो है मेनली वर्केबिलिटी के ऊपर, ड्यूरेबिलिटी एंड परमेबिलिटी के ऊपर. मतलब है कि यदि वाटर सीमेंट रेशियो यदि आपका इंक्रीज करता है तो इनके ऊपर क्या इफेक्ट होगा. कंसीडरिंग वाटर सीमेंट रेशियो आपका इंक्रीज करता है तो वर्केबिलिटी पर आपकी क्या इफेक्ट होगा, वो भी आपकी इंक्रीज होगी. ड्यूरेबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी. और परमेबिलिटी भी इंक्रीज होगी. ऑब्वियस रीजन के कारण वर्केबिलिटी, क्योंकि वाटर कंटेंट आपने इंक्रीज कर दिया है तो आपकी वर्केबिलिटी इंप्रूव होगी, ड्यूरेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी. ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो उसकी स्ट्रेंथ है वो आपको कम मिलेगी तो ड्यूरेबल नहीं है वो. परमेबिलिटी उसकी इंक्रीज कर जाएगी क्योंकि टेंडेंसी होगी पानी की सीपेज करने की इन साइड द कंक्रीट. सो एक ये क्वेश्चन पूछा गया है वर्केबिलिटी से. फिर हमारा जो क्वेश्चन है वो मेनली रिलेटेड है परमेबिलिटी से और इम्परमेबिलिटी से. बेसिकली जो इम्परमेबिलिटी है कंक्रीट की वो डिपेंड करती है आपकी ग्रेडिंग ऑफ कंक्रीट के ऊपर. इट डिपेंड्स ऑन द ग्रेडिंग ऑफ कंक्रीट नॉट ऑन द वाटर सीमेंट रेशियो. इम्परमेबिलिटी डिपेंड करती है ग्रेडिंग ऑफ कंक्रीट, वाटर सीमेंट रेशियो पर वो डिपेंड नहीं करती है. क्वेश्चन पूछा गया है. तो ये था वाटर सीमेंट रेशियो से कुछ पॉइंट्स जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं. अब बात करें स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट की. स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट की या जब स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट की बात करते हैं, फ्रॉम स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट द क्वेश्चन आस्क्ड इज फ्रॉम मेनली मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट से. उसमें क्या है, आपके पास मैकेनिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, बेंडिंग स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड द शियर स्ट्रेंथ. ये आपके सब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है. या फिर इलास्टिसिटी और डक्टिलिटी, दीज आर ऑल मैकेनिकल प्रॉपर्टीज. तो कंक्रीट से जब क्वेश्चन बनता है तो उसमें ये क्वेश्चन बनता है, सबसे पहले जो आपका मोल्ड है, मोल्ड ऑफ कंक्रीट है जो आपका, उसका साइज क्या होता है. मोल्ड ऑफ कंक्रीट का साइज क्या होता है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है. मोल्ड ऑफ कंक्रीट का साइज होता है आपका 150 mm का क्यूब होता है. और जब टेस्ट करते हो आप तो 150 mm क्यूब के ऊपर टेस्ट करते हो, दैट इज कॉल्ड एज क्यूब स्ट्रेंथ. क्यूब स्ट्रेंथ वहां से आप ऑब्टेन करते हो कंक्रीट की इन कॉम्प्रेशन. यदि टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट की बात करोगे तो टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट 10-15% ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है और शियर स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट 20% ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है. और आप यदि बेंडिंग स्ट्रेंथ की बात करोगे, FCR से बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ रप्चर,
उससे भी बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। उस क्या फॉर्मूला होता है आपका, 0.7 × √FC के, वेयर एफ सी के इज यूअर करेक्टरिस्टिक कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ। एफ सी के होता है आपका करेक्टरिस्टिक कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ। एफ सी के से भी क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ करेक्टरिस्टिक कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ। सो करेक्टरिस्टिक कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ इज मेनली डेट स्ट्रेंथ इन विच देर इज ओनली 5% ऑफ चांस डेट द स्ट्रेंथ विल फॉल बिलो दिस स्ट्रेंथ। मतलब क्या है कि 5% केसेस में स्ट्रेंथ आपकी जो एक्चुअल स्ट्रेंथ है, जैसे M20 है तो 20 MPa स्ट्रेंथ मिलती है हमें 28 डेज में। अब 5% केसेस ऐसे हो सकते हैं जब आप टेस्ट करोगे जब आपकी स्ट्रेंथ 20 MPa से कम आएगी इन 28 डेज। तो करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ का मतलब ये होता है। डिजाइन स्ट्रेंथ की बात करोगे तो इसको आपको कंक्रीट के फैक्टर ऑफ सेफ्टी से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। दैट इज इक्वल टू गामा एम, दैट इज इक्वल टू गामा एम इंटू करेक्टरिस्टिक कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, दैट विल गिव यू योर डिजाइन स्ट्रेंथ। तो एक ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो अब यदि बात करें, अपने टॉपिक पे वापस आते हैं, कंक्रीट से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे आपको पता है कंक्रीट का जो, यदि आप कर्व बनाओगे, टेस्ट करते हो आप, लाइक 30 मोल्ड्स रहते हो, 30 आपके पास टेस्ट स्पेसिमैन होते हैं जिसके ऊपर आप ये टेस्ट कैरी आउट करते हो। उसके अच्छे से आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाओगे जिसमें आप कंप्रेसिव स्ट्रेंथ शो करोगे। जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जनरेट करोगे यू विल फाइंड दैट यू हैव सम मीन स्ट्रेंथ एंड यू विल फाइंड आउट सम मीन स्ट्रेंथ। इफ आई रिप्रेजेंट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व हियर यू विल गेट समथिंग लाइक दिस एंड यू विल गेट सम मीन स्ट्रेंथ हियर एंड हियर यू हैव एफ सी के, दैट इज ओनली 5% रिजल्ट्स आर बिलो दिस, देन ऑल दी 95% रिजल्ट्स आर आफ्टर दिस। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ सी एम, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यदि आप यहाँ से सोल्व करोगे तो एफ सी एम आएगा आपका एफ सी के प्लस 1.65 सिग्मा। 1.65 सिग्मा मतलब ये डिस्टेंस आपका 1.65 सिग्मा के इक्वल होगा। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। और जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इस पार्ट से, आपसे पूछा गया है व्हाट इज द 7 डे स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट, 7 डे स्ट्रेंथ इन कंपैरिजन विद द 28 डे स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, दैट इज इक्वल टू 2/3। योर 7 डे स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज 2/3 ऑफ दी 28 डेज स्ट्रेंथ, 2/3 ऑफ 28 डेज स्ट्रेंथ। तो एक ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे। अब यदि बात करें सिलेंड्रिकल स्ट्रेंथ की, तो सिलेंड्रिकल स्ट्रेंथ आपको यूजुअली कम मिलेगी, यूजुअली क्या आपको कम ही मिलेगी एज कंपेयर टू क्यूब स्ट्रेंथ। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो क्यूब की जब स्ट्रेंथ निकालते हो आप, जो 150 mm का मोल्ड होता है, क्यूब का साइज जो होता है, सिलेंड्रिकल स्ट्रेंथ में जो साइज होता है सिलेंडर का वो होता है 150 mm का डायमीटर और लेंथ ऑफ 300 mm। तो जो साइज है बेसिकली, जब आप लोडिंग लगाते हो किसी, जैसे क्यूब में आपने लोडिंग लगाते हो, तो उसमें आपको मिलता है कि कन्फाइनमेंट इन द कंक्रीट इज मोर, कन्फाइनमेंट होने के कारण उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आपको ज्यादा मिलती है। यदि आप इवन साइज भी बढ़ा दोगे तो उस केस में जैसे जैसे साइज बढ़ता है स्ट्रेंथ डिक्रीज होती है कंक्रीट की। आप बड़ा मोल्ड साइज लोगे, से 300 mm का मोल्ड साइज लोगे, 300 mm का क्यूब लोगे, तो उसमें आपको स्ट्रेंथ ज्यादा मिलेगी। तो हमें फोकस करना होता है, हमें एक स्टैंडर्ड स्पेसिमेन यूज करना होता है और उसके अकॉर्डिंग स्ट्रेंथ निकालनी होती है। तो कंपैरिजन में जो आपकी क्यूब स्ट्रेंथ होती है, क्यूब स्ट्रेंथ इज इक्वल टू 1.25 ऑफ सिलेंड्रिकल स्ट्रेंथ, 1.25 ऑफ सिलेंड्रिकल स्ट्रेंथ, और क्यूब स्ट्रेंथ को आप लिख सकते हो 0.8 टाइम्स ऑफ क्यूब स्ट्रेंथ इज सिलेंड्रिकल स्ट्रेंथ। तो ये दोनों ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द, हाउ डू वी कैलकुलेट स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ, बिकॉज स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। जनरली हमें पता है टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज वेरी लेस, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू इट इज अराउंड 10 to 15%। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ का जो स्पेसिमैन, यदि आप जाओगे स्पेसिमैन, हमारे पास कोई स्टैंडर्ड स्पेसिमैन नहीं है या कोई स्टैंडर्ड एपरेटस भी नहीं है जिसके हेल्प से हम टेंसाइल स्ट्रेंथ कैरी आउट करें फील्ड में या फिर लैब में, तो उस केस में हम इनडायरेक्ट मेथड यूज करते हैं टू कैलकुलेट द टेंसाइल स्ट्रेंथ। फॉर एग्जाम्पल ऑफ स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ, उसमें आप क्या करते हो, एक सिलेंडर लेते हो, सिलेंडर
स्पेसिमेन ऑफ साइज ऑफ हैविंग लेंथ 150, हैविंग लेंथ 300 mm एंड डायमीटर ऑफ 150 mm, उसके ऊपर आप टेस्ट करते हो विद द हेल्प ऑफ यूटीएम ओनली, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। उसमें आप क्या करते हो, जैसे आपके पास ये सिलेंडर है, कंप्लीट स्पेसिमेन है जो, और यहाँ पे आपको एक ये मोल्ड रहता है, ये कंप्रेशन के लिए मोल्ड रहेगा, ये कंप्रेशन के लिए मोल्ड रहेगा। ये आपके पास प्लेट्स होती है, वुडन प्लेट्स होती है टू ट्रांसफर द लोड इन द दिस स्पेसिमेन। तो जब आपका लोड ट्रांसफर करते हैं, स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ में, तो ये कुछ ऐसा लोड ट्रांसफर करते हैं जिससे क्रैक्स ऐसे प्रोड्यूस होंगे, क्रैक कंप्रेशन में डायमेट्रिकली प्रोड्यूस होती है, लेकिन जो इसका सेक्शन है, जैसे ये कोई स्मॉल सेक्शन है, तो उसके ऊपर टेंशन प्रोड्यूस होती है आउटसाइड डायरेक्शन में, टेंशन प्रोड्यूस होती है इन द मिडिल 2/3 ऑफ सेक्शन। इफ दिस आई से 2/3, इन द मिडिल 2/3 ऑफ द डायमीटर आपको कंप्रेशन, आपको टेंशन मिलती है, जिसके कारण आप इसकी स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ मेजर कर पाते हो। सो इसका फॉर्मूला जो होता है, एज आई ऑलरेडी टोल्ड, एफ सी आर आपका होता है 0.7 √FC के, 0.7 √FC के। तो ये एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ आपको एक एपरेटर, एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर भी है, जिसमें एक स्टैंडर्ड मशीन भी है, जैसे कि माइकेली एपरेटस मशीन है, क्वेश्चन भी पूछा गया है, माइकेलीज मशीन है, जिसके अच्छे हम टेंसाइल स्ट्रेंथ कैलकुलेट करते हैं। फिर एक होती है हमारे पास डायरेक्ट स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, मतलब डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, जिसमें आपको डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ अराउंड 0.5 to 0.625 FCR होती है आपके, क्या होती है, इफ आई राइट डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ, तो वो होती है आपकी 0.5 to 0.625 times ऑफ FCR। ये आपका क्वेश्चन ये भी पूछा गया है। तो आपको जनरली क्या करना है, जो आपका FCR वैल्यू है, जैसे M20 है, तो आपको उसका 50% स्ट्रेंथ जो होगी तो वो आपको मिल जाएगी। M20 तो FCR कैसे निकालोगे आप, यहाँ से 0.7 √FC के, फॉर एग्जाम्पल M20 है, तो ये आप यहाँ पे पुट करोगे, उसके अच्छे आप टेंसाइल स्ट्रेंथ कैलकुलेट करोगे। तो एक ये क्वेश्चन भी पूछा गया है टू कैलकुलेट द टेंसाइल स्ट्रेंथ डायरेक्टली। अब बात करते हैं हम अपनी, जो यदि बात करें, अब FCT भी बोलते हैं हम, जैसे इसी को, इसको FCT किसे बोलते हैं, FCT होता है आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ ही होता है आपका, स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ भी बोलते हैं इसे, स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ, जो जिसकी वैल्यू होती है 0.66 FCR, 0.66 FCR स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ जो हमने किया था, तो उसकी वैल्यू ये भी होती है। अब बात करेंगे हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट्स द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। तो जो बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, तो आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन जो बनता है इससे, काफी क्वेश्चंस बनते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। क्वेश्चन जो बनते हैं इस पार्ट से, कंक्रीट की स्ट्रेंथ के ऊपर काफी क्वेश्चन बनते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास बहुत फैक्टर है जो कंक्रीट की स्ट्रेंथ को इफेक्ट करते हैं, जैसे फर्स्ट वन इज अवर वाटर सीमेंट रेशियो। एज वी ऑलरेडी सीन, यदि आप वाटर सीमेंट रेशियो इंक्रीज करते हो तो आपकी स्ट्रेंथ की वैल्यू डिक्रीज करेगी, स्ट्रेंथ की वैल्यू डिक्रीज करेगी। सेकंड जो है सीमेंट कंटेंट की बात करते हैं, यदि सीमेंट कंटेंट की बात करते हैं, तो सीमेंट कंटेंट यदि आप इंक्रीज करते हो तो आपकी स्ट्रेंथ इंक्रीज कर जाती है और आपको रिच रिच कंक्रीट मिलता है। सीमेंट कंटेंट इंक्रीज करोगे तो आपको रिच कंक्रीट मिलेगा और स्ट्रेंथ भी आपको
ज्यादा मिलेगी, स्ट्रेंथ भी आपको ज्यादा मिलेगी। तो एक पॉइंट ही है हमारे पास। फिर यदि हम प्रिपरेशन ऑफ फाइन एंड कोर्स एग्रीगेट करें, या फिर हाउ फाइन एंड कोर्स एग्रीगेट अफेक्ट द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, फाइन एंड कोर्स एग्रीगेट, तो आपको जो कोर्स एग्रीगेट्स हैं वो आपकी स्ट्रेंथ में हेल्पफुल होते हैं। जैसे आपको यदि पूछा जाए विच ऑफ दिस कोर्स एग्रीगेट विल प्रोवाइड मोर स्ट्रेंथ, फॉर एग्जाम्पल ए डेट इज एग्रीगेट ऑफ से क्यूबिकल साइज, क्यूबिकल साइज, बी एलोंगेटेड साइज एग्रीगेट, एलोंगेटेड साइज एग्रीगेट, सी फ्लैकी एग्रीगेट एंड डी राउंड एग्रीगेट। तो आपसे पूछा जाएगा विच ऑफ दीज अमंग प्रोवाइड द हाइयर स्ट्रेंथ इन द कंक्रीट। तो आपको जब सोल्व करोगे तो आपको पता चलेगा क्यूबिकल एग्रीगेट जो होते हैं वो आपको हाइयर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं इन द कंक्रीट, क्योंकि इसमें आपको जो आपके जो एक तो वॉइड्स हैं, वॉइड्स जो हैं आपको कम मिलेंगे, इस केस में वॉइड्स कम मिलेंगे, और ड्यू टू लेस वॉइड्स यू रिक्वायर जो सीमेंट आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, सीमेंट जो आपको यदि आपने सेम फॉर एग्जांपल यू हैव द कंक्रीट स्पेसिमेन, आपके पास एक कंक्रीट स्पेसिमेन है, आप में आपने उसके अंदर फाइन एग्रीगेट्स को रिप्लेस करके कोर्स एग्रीगेट इंट्रोड्यूस कर दिए, तो उस केस में आपको जो सीमेंट कंटेंट है वो सेम रहा। तो ड्यू टू कॉन्स्टेंट सीमेंट कंटेंट आपने क्या किया है कि कोर्स एग्रीगेट को इंट्रोड्यूस किया है, तो आपने उसके अंदर सीमेंट कंटेंट को इनडायरेक्टली आपने इंक्रीज कर दिया है, तो सीमेंट कंटेंट भी आपका इंक्रीज हो गया है, तो आपकी स्ट्रेंथ क्या होगी यहाँ से इंक्रीज हो जाती है, स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट जो होगी वो इंक्रीज हो जाती है इन केस ऑफ क्यूबिकल एग्रीगेट। अब वर्केबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो वर्केबिलिटी क्या होगी, इससे डिक्रीज हो जाएगी, वर्केबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि आपने जो स्पेसिमेन है उसको पूरा कॉम्पैक्ट कर दिया है, जिसके कारण वर्केबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। हाईएस्ट वर्केबिलिटी आपको राउंड एग्रीगेट में मिलती है, हाईएस्ट वर्केबिलिटी इस केस में मिलती है। यदि अब फोर्थ पॉइंट की बात करें, फोर्थ पॉइंट की बात करें तो एयर वर्ड्स जो होती हैं वो आपकी कंक्रीट की स्ट्रेंथ को बहुत इफेक्ट करती हैं। फॉर एग्जाम्पल जब आपके पास 1% एयर वर्ड्स प्रेजेंट होती है कंक्रीट के अंदर, तो अराउंड 6% डिक्रीज इन स्ट्रेंथ होता है। 1% एयर वर्ड लीड्स टू डिक्रीज इन स्ट्रेंथ ऑफ 6%, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप जब ग्राफ भी ड्रॉ करते हो तो अराउंड 5% एयर वर्ड्स पे आपको 30% डिक्रीज इन स्ट्रेंथ देखने को मिलेगा, तो एयर वर्ड स्ट्रेंथ को डिक्रीज करती है। जो फिफ्थ पॉइंट है, यदि टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर की बात करें तो जो कंक्रीट है यदि आप हाइयर टेम्परेचर पे यूज करते हो तो चांसेस है उसके अंदर जो फ्रीजिंग या फिर जब वो कूल डाउन होगा तो नॉन यूनिफॉर्म कूलिंग के कारण उसके अंदर क्रैक्स प्रोड्यूस हो सकते हैं। तो एक ऑप्टिमल टेम्परेचर यूज करते हैं, नॉट अ वेरी हाई टेम्परेचर, तो वो भी हाई टेम्परेचर क्या करेगा, डिक्रीज कर देगा आपकी स्ट्रेंथ को। सिक्स पॉइंट की बात करें तो एडमिक्सचर्स जो हैं, यदि एडमिक्सचर्स की बात करें, एडमिक्सचर्स की बात करें तो एडमिक्सचर आपके डिफरेंट टाइप ऑफ एडमिक्सचर्स होते हैं। जैसे एक होता है वाटर रिड्यूसर एडमिक्सचर, जिसका केमिकल फॉर्मूला है लिग्नो सल्फेट, या फिर केमिकल नेम है लिग्नो सल्फोनिक एसिड। उस केस में क्या होता है, आपका जो एडमिक्सचर्स है वो वाटर रिड्यूस कर देगा, लिग्नो सल्फोनिक एसिड वाटर रिड्यूस करेगा आपके कंक्रीट के अंदर, जिसके कारण से जो आपकी ओवरऑल स्ट्रेंथ है, क्योंकि आपने वाटर रिड्यूस किया है तो स्ट्रेंथ क्या होगी, इनडायरेक्टली आपकी इंक्रीज होगी, तो एडमिक्सचर्स भी स्ट्रेंथ इंप्रूव करते हैं। लेकिन एडमिक्सचर जो है वो आपका असेंशियल कंपोनेंट ऑफ कंक्रीट नहीं होते, असेंशियल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ कंक्रीट नहीं होते वो। क्यों क्यों नहीं होते, क्योंकि असेंशियल कंस्टिट्यूएंट्स हमारे पास खाली तीन ही है, दैट इज सीमेंट, फाइन एग्रीगेट एंड कोर्स एग्रीगेट, इरिस्पेक्टिव ऑफ अदर दैट वी ऑल्सो एड वॉटर इन इट। वाटर को हम इसमें कंसिडर नहीं करते, वाटर को अलग से यूज करते हैं, तो वाटर भी हम इसमें ऐड करते हैं, तो एडमिक्सचर्स आपका असेंशियल कंस्टिट्यूएंट ऑफ कंक्रीट नहीं है, ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। स्ट्रेंथ जो फर्दर डिपेंड करती है वो डिपेंड करती है एज ऑफ सीमेंट एंड कंक्रीट के ऊपर, एज ऑफ सीमेंट एंड कंक्रीट के ऊपर। यदि आपकी एज सीमेंट की ज्यादा है तो आपकी स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाती है, सीमेंट की एज यदि आपके पास ज्यादा है स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाती है,
बिकॉज ऑफ दी हाइड्रेशन प्रोसेस। सीमेंट वाटर एब्जॉर्ब करती है एटमोसफेयर से, जिसके कारण उसकी स्ट्रेंथ डिक्रीज होती रहती है कंटिन्यूसली। लेकिन कंक्रीट की स्ट्रेंथ ऑलवेज इंक्रीजेस, कंक्रीट की स्ट्रेंथ आपकी इंक्रीज कर जाती है विद इन द टाइम, यदि आप लॉन्ग स्पैन की बात करो। क्योंकि एक पॉइंट ये भी है, क्रीप जो देखोगे आप, क्रीप कोफिशियंट आपका डिक्रीज करता रहता है। क्रीप कोफिशियंट डिक्रीज करेगा तो ओवरऑल क्रीप डिफ्लेक्शन जो होगी वो भी आपकी डिक्रीज करेगी। क्रीप डिफ्लेक्शन डिक्रीज करेगी, क्रीप कोफिशियंट भी डिक्रीज करेगा, तो ओवरऑल स्ट्रेंथ भी आपकी विद द पीरियड ऑफ टाइम इंक्रीज करेगी। सो एक पॉइंट जो है ये भी है यहाँ पर, स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट के अंदर। अब बात करते हैं जो और टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे हमने यहाँ पर देखा था एक टाइप ऑफ कोर्स एग्रीगेट, जैसे हमने देखा था टाइप ऑफ कोर्स एग्रीगेट क्यूबिकल एलोंगेटेड फ्लैकी एंड राउंड एग्रीगेट। तो आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज एलोंगेटेड एग्रीगेट, किसे बोलते हो आप एलोंगेटेड एग्रीगेट। यदि आपके पास एक डायमेंशन, या फिर आप इसको ऐसे समझ सकते हैं जिसका आपके पास दो डायमेंशंस इनसिग्निफिकेंट है, बट वन डायमेंशन उसका जो एक डायमेंशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब क्या हुआ, ये आपके पास लेट से एल लेंथ की एक लाइन है, तो क्योंकि ये लाइन है एक, जैसे ये आपका मार्कर है तो ये लाइन है, इसके दो दो जो डायमेंशंस हैं दैट इज इसके इसका डायमीटर और इसकी जो हाइट है, तो वे दोनों इसके इनसिग्निफिकेंट है, उन एग्रीगेट्स को बोलते हैं हम एलोंगेटेड एग्रीगेट्स। फ्लैकी एग्रीगेट्स क्या होते हैं, फ्लैकी एग्रीगेट्स बोलते हैं जिसके दो डायमेंशन, जैसे प्लेट है आपकी, उसके दो डायमेंशन सिग्निफिकेंट होते हैं, थिकनेस इनसिग्निफिकेंट होती है, तो प्लेट एग्रीगेट, प्लेट जो एलिमेंट हुआ है वो फ्लैकी एग्रीगेट बोल सकते हो। यदि आपसे पूछे टू हाउ डू वी मेजर एलोंगेशन, और एलोंगेशन किसी एग्रीगेट का कैसे मेजर करते हैं, तो उसके लिए आप यूज करते हो एलोंगेशन इंडेक्स। इंडेक्स होता है आपका जिसके हेल्प से आप एलोंगेशन मेजर करते हो। उसके लिए क्या करते हैं, जो इसकी डेफिनेशन है वो है, इफ द परसेंटेज ऑफ वेट ऑफ द एग्रीगेट इज ग्रेटर देन 0.1.8 टाइम्स ऑफ एवरेज साइज ऑफ एग्रीगेट। मतलब क्या है, यदि आपके पास एवरेज साइज ऑफ एग्रीगेट से आपके पास 2 mm है, 2 mm का साइज है जो एवरेज साइज एग्रीगेट का, या फिर आप बड़ा साइज कंसिडर करिए लाइक 20 mm है, तो उस केस में आपका जो 36 mm के जो पार्टिकल्स हैं जो इस साइज से बड़े हैं, उनका जो वेट होगा, द परसेंटेज वेट ऑफ पार्टिकल्स ग्रेटर देन 36 mm विल गिव यू द एलोंगेशन इंडेक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर एग्रीगेट सैंपल। सिमिलरली फ्लैकी एग्रीगेट के लिए जो 0.6 है, 0.6 टाइम्स ऑफ d50 होता है, मतलब कि जो पार्टिकल्स वो साइज इज लेस देन, हेयर वी हैव लेस देन साइज ऑफ 0.6 टाइम्स ऑफ d50, लेस देन साइज ऑफ पार्टिकल्स लेस देन 0.6 टाइम्स ऑफ d50 विल गिव्स यू द फ्लैकी एग्रीगेट। तो वो आपको फ्लैकी एग्रीगेट के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे कि परसेंटेज वेट या फ्लैकीनेस इंडेक्स क्या है। तो ये भी कुछ क्वेश्चंस जो है पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। तो अब बात करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की, जो क्वेश्चंस जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो पूछ रहे हैं अब आपसे वर्केबिलिटी से। अब बात करते हैं वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट से, जिसमें बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में IAS एग्जामिनेशन। वर्केबिलिटी सबसे पहले आपकी जो है सरफेस के ऊपर डिपेंडेंट होती है, वर्केबिलिटी सरफेस के ऊपर डिपेंडेंट होती है। यदि आपके पास कंक्रीट स्पेसिमेन है आपके पास, यदि वर्केबिलिटी की बात करें, इट स्टार्ट विद द सरफेस एरिया ऑफ कंक्रीट, सरफेस एरिया ऑफ एग्रीगेट, यू कैन से सरफेस एरिया ऑफ एग्रीगेट्स। बेसिकली यदि आप फाइन एग्रीगेट की बात करो, तो बिकॉज फाइन एग्रीगेट हैव लार्ज सरफेस एरिया, देन दे आर सब्जेक्टेड टू द मोर वर्केबल, वर्केबल इन द सेंस आपके वर्केबिलिटी को ज्यादा इफेक्ट करेंगे फाइन एग्रीगेट एज कंपेयर टू कोर्स एग्रीगेट, क्योंकि उनके पास सरफेस एरिया ज्यादा अवेलेबल है।
फिर यदि बात करते हैं वर्केबिलिटी की, तो वोटर सीमेंट रेशियो वो एक अनदर इम्पोर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि यदि वोटर सीमेंट रेशियो आपका ज़्यादा है तो आपको वर्केबल मिक्स ज़्यादा मिलेगा, हैंस विल हैव मोर वर्केबिलिटी। और फॉर अ कॉन्स्टेंट वाटर कंटेंट, इफ यू एड एन एडमिक्सचर, आप कोई एडमिक्सचर यूज करते हो तो उसके से भी आपको वर्केबिलिटी इंप्रूव मिलेगी, इंप्रूव हो जाते हैं, क्योंकि एडमिक्सचर क्या करेगा, वाटर रिड्यूसर यदि एडमिक्सचर आपका, तो वो वाटर को रिड्यूस करेगा, तो आपकी स्ट्रेंथ इंक्रीज कर जाएगी, ओवरऑल आपकी वर्केबिलिटी भी इंप्रूव करता हो, वर्केबिलिटी को भी इंप्रूव करता है। तो एक ये पॉइंट था। अब थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, तो सीमेंट कंटेंट की बात करें, सीमेंट कंटेंट की बात करते हैं, तो वर्केबिलिटी पर सीमेंट का क्या इफेक्ट होगा, यदि आपकी सीमेंट कंटेंट ज़्यादा है, नॉमिनल से ज़्यादा है, तो उसमें क्या होगा, वो हार्श मिक्स या फिर आपका जो स्टिकी प्रेसिपिटेट बनाएगा, कैसा मैट्रिक्स कैसा बनेगा, उसमें स्टिकी मैट्रिक्स बनेगा, क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं वो दीज पार्टिकल्स आर टेंड टू स्टिक विद ईच अदर। तो यदि आपका सीमेंट कंटेंट कम है तो आपका हार्श मिक्स बनाएगा, तो उस केस में भी वर्केबिलिटी आपकी रिड्यूस हो जाएगी, इस केस में भी वर्केबिलिटी आपकी रिड्यूस हो जाएगी। तो दोनों ही केस में, या तो रिच मिक्स हो या फिर लीन मिक्स हो, दोनों ही केस में वर्केबिलिटी रिड्यूस होती है। अब बात करते हैं सरफेस टेक्सचर जितना स्मूथ सरफेस टेक्सचर होगा उतनी ही ज्यादा वर्केबल कंक्रीट होगी। यदि आपका रफ सरफेस टेक्सचर होगा तो, क्योंकि क्योंकि रफ है तो कंक्रीट वर्केबल नहीं रहेगी। तो ये भी एक पॉइंट है सरफेस टेक्सचर से जो क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर बात करते हैं ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट्स। यदि आपका एग्रीगेट की प्रॉपर ग्रेडिंग की गई है, मतलब यू हैव ऑल दी साइज ऑफ पार्टिकल्स इन द एग्रीगेट, तो आपको उस केस में क्या होगा, क्योंकि आपके पास सारे साइज अवेलेबल है, तो एक वेल ग्रेडेड एग्रीगेट का स्पेसिमेन आपके पास है, उस केस में आपको एक अच्छा वर्केबल कंक्रीट मिलेगा एज कम्पेयर टू दी पुअरली ग्रेडेड एग्रीगेट सैंपल। तो वर्केबिलिटी आपकी इंप्रूव कर जाती है यदि आपके पास वेल ग्रेडेड एग्रीगेट्स हैं। तो ये क्वेश्चन है एक। इन केस ऑफ एडमिक्सचर्स, एज आई ऑलरेडी टोल्ड, एडमिक्सचर्स के कारण वर्केबिलिटी इंप्रूव करती है, लेकिन एक होता है एयर इंट्रेनर एडमिक्सचर, आपके पास होते हैं एयर इंट्रेनर्स। तो इस केस में जो एयर इंट्रेनर्स जो होते हैं, जो इनका काम क्या होता है, ये एयर बबल्स के मतलब आपके कंक्रीट में इंट्रोड्यूस करते हैं, एयर बबल्स को इंट्रोड्यूस करते हैं, उसके कारण जो है कंक्रीट एक दूसरे कंक्रीट के जो एग्रीगेट्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर इजिली स्लाइड कर पाते हैं, ड्यू टू विच देयर वर्केबिलिटी इज इम्प्रूव, ड्यू टू विच वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट इज इम्प्रूव। तो एयर इंट्रेनर्स क्या करते हैं, आपकी वर्केबिलिटी को इम्प्रूव कर देते हैं। तो एक पॉइंट ये भी है, एक है पोजोलोना एडमिक्सचर्स, एक हमारे पास पोजोलोना एडमिक्सचर्स, दे ऑल्सो इम्प्रूव द वर्केबिलिटी, ये भी आपकी वर्केबिलिटी को इम्प्रूव करते हैं, अल्दो ये आपको स्ट्रेंथ के फैक्टर्स नहीं है। पोजोलोना या फ्लाई एश ये इंडिविजुअली कोई स्ट्रेंथ प्रोवाइड नहीं करते हैं, जब सीमेंट में रिएक्शन जब होती है तो उसके अंदर प्रोड्यूस होता है लाइम, तो ये जो पोजोलोना मटेरियल होता है ये लाइम को यूज करता है। यदि लाइम आपका फ्री अवेलेबल होगा कंक्रीट के अंदर, तो वो एक्सपेंशन करा देता है, कंक्रीट की एक्सपेंशन करा देता है, तो वो कंक्रीट को ब्रेक करने में, मतलब ब्रेक करने में ब्रेक कर देता है, जिसके कारण से वो, हम चाहते हैं कि वी डू नॉट हैव एनी लाइम प्रेजेंट इन द कंक्रीट, तो पोजोलोना उसी को ही यूटिलाइज करता है, पोजोलोना लाइन को ही यूटिलाइज करता है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो वर्केबिलिटी से पूछे गए हैं। यदि आपको पूछा जाए वर्केबिलिटी सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट से,
हाउ डिड वर्केबिलिटी अफेक्टेड बाय द सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट, तो आपका आंसर होगा इट डू नॉट डिपेंड अपॉन द सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट, वर्केबिलिटी सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट के ऊपर आपकी डिपेंड नहीं करती है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ध्यान रखना। फिर बात आती है हाउ डज इट इफेक्टेड बाई वोटर, वर्केबिलिटी इफेक्टेड बाई वोटर, एज यू ऑलरेडी नो आपका यदि वोटर कंटेंट ज्यादा है तो वर्केबिलिटी आपको ज्यादा मिलेगी, तो एक पॉइंट ये भी है, तो वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट विल बी इंप्रूव इफ यू हैव हायर वोटर कंटेंट। तो अब बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ वर्केबिलिटी से, हाउ डू वी मेजर वर्केबिलिटी, वी हैव फोर मेथड्स ऑफ वर्केबिलिटी मेजरमेंट, क्वेश्चंस मेनली आस्क्ड फ्रॉम द स्लंप टेस्ट, स्लंप मेथड से आपको क्वेश्चंस पूछे गए हैं। यदि बात करें मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ वर्केबिलिटी, मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ वर्केबिलिटी वी हैव फोर मेथड, फर्स्ट वन इज द स्लंप टेस्ट, स्लंप टेस्ट, देन वी हैव कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट, कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट, वी हैव थर्ड टाइप दैट इज वीबी टेस्ट, वीबी टेस्ट, एंड द फोर्थ वन इज अवर फ्लो टेस्ट, फ्लो टेस्ट। अब जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो स्लंप टेस्ट से ज्यादा पूछे गए हैं, या फिर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए जाते हैं फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्लंप दैट वी विल प्रोवाइड, दैट वी विल प्रोवाइड इन दैट पर्टिकुलर केस, फॉर रोड कंस्ट्रक्शन, रोड कंस्ट्रक्शन के लिए आपको जनरली अराउंड 20 mm का स्लंप प्रोवाइड करते हो। स्लंप टेस्ट में आपके डायमेंशन पूछ ले जाते हैं कि जो स्लंप कोन है उसका क्या डायमेंशन होता है, तो स्लंप कोन का आपका जो डायमेंशन है जो उसका डायमीटर होता है वो होता है 100 mm का और 200 mm का, ट्रंकेटेड कोन होता है आपका आपके पास वो जिसकी लेंथ 300 mm होती है और डायमीटर 100 mm एंड द 200 mm होता है। तो यदि आपका वो यदि मैं दिखाऊं उसको तो कुछ इस तरीके का आपके पास ये कौन रहता है जिसकी लेंथ 300 mm होती है और डायमीटर 100 mm एंड द 200 mm आपको डायमीटर मिलते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है, अब यदि इसके अंदर कंक्रीट फील्ड है, ये कंक्रीट फील्ड रहती है, तो स्लंप अब जो हमें मिलता है वो कुछ इस तरीके से मिलता है, और ये स्लंप इतना जो हाइट होगी उसकी वो रिमूव हो जाती है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये मान लिया स्लंप हमारे पास अप टू 25 mm से कम है, दिस इज स्लंप इज लेस देन 25 mm, तो इसको बोलते हैं हम लो स्लंप और वेरी लो स्लंप, एक्चुअली वेरी लो स्लंप, फ्रॉम 25 to 50 mm वी हैव लो स्लंप, इसको बोलते हैं लो स्लंप, 50 to 100 mm वी हैव मीडियम स्लंप, एंड फ्रॉम 100 to 175 mm वी हैव हाई स्लंप वैल्यू, 100 to 175 mm वी हैव हाई स्लंप वैल्यू। तो दीज आर दी सम ऑफ द क्वेश्चन दैट इज बीइंग आस्क्ड इन द प्रीवियस ईयर ऑफ IAS एग्जामिनेशन। तो ये एक कुछ पॉइंट्स हैं जो पूछे गए हैं हम इन द प्रीवियस ईयर। अब बात करें यदि कॉम्पैक्शन टेस्ट की, कॉम्पैक्शन टेस्ट आपका यूज होता है व्हेन द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट इज ग्रेटर देन 0.7, व्हेन द वर्केबिलिटी इज ग्रेटर देन 0.7 वैल्यू, तब आपका कॉम्पैक्शन टेस्ट यूज करते हैं। वीबी टेस्ट इज, जो वीबी टेस्ट है इट इज यूज फॉर स्टिफ मिक्सेस, दिस इज यूज फॉर स्टिफ मिक्सेस, स्टिफ मिक्सेस। तो क्वेश्चन कुछ इस ढंग से ही पूछ लिया जाता है, बट इज द हाउ डू वी क्लासिफाई ऑल द टेस्ट बेस्ड ऑन द वर्केबिलिटी, वर्केबिलिटी के बेसिस पे आप टेस्ट को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। तो यदि आपका कंक्रीट बहुत ज्यादा वर्केबल हो तो उस केस में आपके पास होता है फ्लो टेस्ट, वेरी हाई वर्केबिलिटी केस दैट इज स्लंप ग्रेटर देन 175 mm वैल्यू, उस केस में हम यूज करते हैं फ्लो टेस्ट। वीबी टेस्ट यूज करते हैं हार्ड मिक्सिस के लिए, कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट यूज करते हैं सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट के लिए, कॉम्पैक्शन फैक्टर है तो इट इज द रेशियो ऑफ पार्शियली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट टू द फुली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट, तो कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट यूज करते हैं हम मेनली फॉर विच इज इन द मीडियम रेंज, विच इज इन द मीडियम रेंज वर्केबल। स्लम्प टेस्ट हम यूज करते हैं जनरली इन द फील्ड, इन द फील्ड वी यूज जनरली स्लम्प टेस्ट। तो ये कुछ मेथड्स थे और इनसे कुछ क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं मैंने आपको भी बताए हैं। सो आई होप आपको वर्केबिलिटी से सारे क्वेश्चंस आप अब कवर कर पाएंगे। यदि प्रीकास्ट कंस्ट्रक्शन एक
प्रीकास्ट कंस्ट्रक्शन होती है. फॉर एग्जांपल वी हैव सीन प्रीकास्ट ब्रिजेस, वी हैव प्रीकास्ट या प्री स्ट्रेस्ड ब्रिजेस. उस केस में जो वर्केबिलिटी होती है वो आपकी बहुत लो होती है, वेरी लो, दैट इज लेस देन 25 mm. तो यदि कोई पूछे तो आपको 10 to 20 mm इज द वर्केबिलिटी इन दैट केस, इन द केस ऑफ प्री कास्ट मेंबर्स. सो दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चन दैट इज बिंग आस्क्ड फ्रॉम द वर्केबिलिटी.